औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इट्स मी कवल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे अपने प्यारों के साथ घरों पर। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आप सबको आज रमज़ान का दूसरा जुम्मा जो है मुबारक हो, और 11वां रोज़ा जो है वो भी सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और सबके रोज़ों में आसानी हो, सबके रोज़े बहुत अच्छे जाएं। बहुत दुआएं हैं। और यहाँ पे देखें जी, अल्लाह की रहमत बरस पड़ी। 2-3 दिन से बहुत गर्मी हो रही थी, लेकिन यहाँ के रोज़े बहुत बड़े बड़े हैं और गर्मी हो रही थी, तो ज़ाहिर है जो रोज़ेदार हैं उनको प्यास भी बहुत लगती होगी। तो ये देखें मेरे अल्लाह का करिश्मा कि यहाँ पर अप्रैल में स्नो स्टार्ट हो गई अगेन, और अगेन सर्दी शुरू हो गई है। सो बहुत ही मुझे ये मंज़र अच्छा और हसीन लग रहा था, तो मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर किया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, और बहुत ही ज़बरदस्त व्यू था। सारे कपड़े एंड ब्लैंकेट्स जो हैं मैंने फोल्ड करके रख दिए थे, लेकिन अगेन दोबारा हमें निकालने पड़े क्योंकि इतनी सर्दी हो गई है। सो इसलिए, और आप लोग सुनाएं कैसे हैं, आप लोगों के यहाँ वेदर कैसा हो रहा है, और रमज़ान कैसा गुजर रहा है। सो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ एक अपनी एक्टिविटी शेयर करूंगी सहरी की। सो थंबनेल में मैंने पुलिस स्टेशन की जो है पिक्चर शेयर की है, और पुलिस स्टेशन हमें क्यों जाना पड़ा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और जाना ज़रूरी था, अगर नहीं जाते तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाता। सो इंशाल्लाह इसके लिए आप लोगों को जो है मेरी वीडियो एंड तक देखनी होगी, और आपको पता चल जाएगा कि हम पुलिस स्टेशन क्यों गए। दोस्तों, यहाँ मैं जो है तैयारी कर रही हूँ सहरी की। यहाँ रात के 2 बज रहे हैं, और मैं अपने हस्बैंड के लिए पराठे बना रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं इफ्तार में इतना कुछ नहीं खाते, और खाया भी नहीं जाता है जब आप रोज़ा खोलते हैं, तो मींस इतनी भूख प्यास, और उससे पकोड़े और ये समोसे खाओ तो उसी से पेट भर जाता है, तो खाना इतना नहीं खाया जाता है। तो मेरे हस्बैंड जो है फिर सहरी जो है वो थोड़ी हैवी करते हैं। सो मैं ये बना रही हूँ चीज़ पराठे, आप देख रहे हैं इस तरह, और मैं स्क्वायर शेप में बना रही हूँ। सो जी, ये मैं पराठे बना के ऐसे रेडी करके रख देती हूँ, और जब भी मुझे रोटियाँ बनानी होती हैं, जितनी भी हों, मैं रोटियाँ बना के ऐसे रख देती हूँ, फिर जस्ट मैं फ्राई करती जाती हूँ और रोटियाँ भी बनाती जाती हूँ। सो ये मैंने चीज़ इनमें फिलिंग कर दी है पराठों में, और फिर ये ऐसे मैंने जो है ना, देखें आप, इस पर डाली है, और बहुत मज़े का चीज़ पराठा बनता है, और थोड़ा हैवी भी हो जाता है, भूख मींस कम लगती है, तो मेरे हस्बैंड को पसंद है और बच्चों को भी पसंद है, तो बच्चों के लिए बना लेती हूँ मैं। सो ये जी चाय है, चाय भी रेडी हो रही है, कड़क कड़क। अच्छा, हमारी अम्मी के यहाँ जब सहरी होती थी तो उसमें क्या होता था, पराठे होते थे, आलू होते थे, लेकिन फेनिया ना हो तो मज़ा ही नहीं आता था। सब कहते थे फेनिया नहीं है तो हमसे रोज़ा नहीं रखा जाएगा, जैसे फेनियों से ही रोज़ा रखा जाता है। तो एक जैसे रस्म सी थी हमारे घर में कि फेनिया ज़रूर होनी चाहिए सहरी में। सो यहाँ पर मेरे हस्बैंड गए थे तो यहाँ पर फिनिश हो गई थी, लेकिन स्टॉकहोम में तो अवेलेबल होती हैं, तो हमारे सिटी में, क्योंकि माशाल्लाह यहाँ पे मुस्लिम्स बहुत हैं अरब से और इधर उधर से, तो वो भी रोज़े सब रखते हैं, तो काफ़ी चीज़ें जो है ना ख़त्म हो जाती हैं जल्दी। इस टाइम पे जो है रमज़ान के महीने में अपने अम्मी अब्बू भी बहुत याद आते हैं, क्योंकि हमारी शादी हो गई है, अपने घरों के हो गए, लेकिन एक जो बचपन होता है जो वहाँ गुजरता है, जो सहरी अफ्तारी सारे भाई बहन बैठ के करते हैं, वो बहुत याद आता है हद से ज़्यादा। रिश्तेदार भी सारे याद आते हैं, लेकिन ये अम्मी अब्बू और भाई बहन जो हैं, जो दिल के खूनी रिश्ते हैं, वो बहुत याद आते हैं, क्योंकि हम इधर परदेस में हैं और ईद भी उनके बगैर करते हैं, तो ईद ईद नहीं लगती है, बस ना पूछें एक गम लगता है, क्योंकि ना अम्मी होती हैं, ना अब्बू होते हैं, ना भाई होते हैं, क्योंकि वो ईदी देना, वो
तंग करना, मेरे भाई मुझे बहुत तंग करते थे ईदी देते हुए, मेरे अब्बू मुझे बहुत छेड़ते थे ईदी देते हुए। सो वो लम्हात बहुत याद आते हैं क्योंकि इधर प्रदेश में है, यहाँ भी काफ़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, उनसे हमारी मेल जोल है, अच्छी फैमिलीज हैं। बस वही है कि माँ बाप की याद बहुत आती है ईद के दिनों में। सो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि कौन से लम्हात जो है आप लोगों को ज़्यादा याद आते हैं अपने मीन्स बचपन के, जैसे आप लोगों की शादी हो गई है तो कौन सा ज़्यादा यानी आपको मोमेंट याद आता है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। सो जी यहाँ पे देखें जी, चाय ये रेडी हो गई है, मैं अपने हस्बैंड के लिए अब ये जो है चाय सर्व करूँगी, एंड सहरी रेडी हो गई है उनके लिए। सो जस्ट रेडी करूँगी, फिर उनको उठाऊँगी, और फिर ये देखें जी ये पराठे बनाए मेरे चीज़ के, और ये लेफ़्ट ओवर आलू एंड गोश्त का सालन था, और ये चाय उनकी। सो अब ये सहरी करेंगे तो 2:30 बजे जो है यहाँ पे रोज़ा क्लोज हो जाता है, और अफ्तारी जो है फिर 8:30 बजे होती है। सो ये जी सहरी है हमारी। सो ये बच्चों के लिए मैंने हाफ फ्राई एग्स बनाए थे, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये एक ही अंडा है लेकिन इसमें दो जो है जर्दियाँ निकली थी। सो ये एक अमेजिंग चीज़ थी, तीनों ये एग्स मैंने जैसे ही बनाए तीनों में ही दो जर्दियाँ थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो जी यहाँ पे हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, क्योंकि हमें जाना पड़ा, हमने ख़ुद अपॉइंटमेंट जो है यहाँ पे बुक किया, क्योंकि मेरी बेटी लमाइसा जो थी यहाँ की नेशनल हो गई है, सो वो 3 साल की हो गई हैं। सो उनका जो है टाइम कंप्लीट हो गया था नेशनलिटी के लिए, सो हमने पुलिस स्टेशन कॉल की, उनके लिए बुक किया, सो आज उनका अपॉइंटमेंट था, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग देयर। मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस हैं और आपका बेबी यहाँ पे बॉर्न होता है और वो यहाँ पे 3 साल स्पेंड करता है स्वीडिश लाइफस्टाइल में, मींस यहाँ के डे केयर एंड स्वीडिश बोलना एंड यहाँ के लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करना, और बच्चा आपका अगर 3 साल का हो जाता है तो 3 साल के बाद यहाँ का सिटीज़न हो जाता है। सो जो है वालदेन जो हैं यहाँ पे अपने बच्चे के लिए नेशनलिटी क्लेम कर सकते हैं। सो जी ये देखें वहाँ पे बहुत खूबसूरत हसीन ये फ्लावर्स लगे हुए थे पुलिस स्टेशन के बाहर, सो मैंने कहा मैं कैप्चर कर लूँ आप लोगों को दिखा दूँ। सो ये एक प्रोसेस था, सो इसलिए हमें पुलिस स्टेशन आना पड़ा। सो अपॉइंटमेंट बुक किया था तो नेक्स्ट डे का ही मिल गया था, सो ये हम अभी पहुँच गए थे पुलिस स्टेशन। सो पुलिस स्टेशन वैसा नहीं है जैसे हमारे कंट्रीज़ में होता है डरावना और पुलिस वाले डराएंगे ये करेंगे, सो बहुत ही फ्रेंडली एंड बहुत ही अच्छे थे। ये देखें लम्हा खुद बताएंगे आपको। हंसी और पिक्चर ली। अच्छा क्या बोल रही थी? स्मॉल हो। अच्छा आप स्टेशन क्यों आई हो, पुलिस स्टेशन क्यों आई हो ये बोल रही थी? नहीं बोली थी। अच्छा जी सुन लिया आप लोगों ने, लमाइसा कितनी खुश थी और हैप्पी थी, उसका पासपोर्ट की पिक्चर पुलिस वुमेन थी उन्होंने ही ली, और ये परीसा जो है यहाँ पे अपनी रीडिंग बुक ढूंढ रही हैं क्योंकि लास्ट ईयर परीसा आई थी उनका पासपोर्ट बना था, सो वो उनको नहीं मिल रही थी तो थोड़ी सेंटी हो गई थी। और ये देखें जी इधर ये बाहर का नज़ारा है और बहुत ही खूबसूरत पुलिस स्टेशन बना हुआ था। सो फ्रेंड्स अगर आपको स्वीडन में नेशनलिटी अप्लाई करनी है तो उसके लिए आप लोगों को पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो है पासपोर्ट जो है पुलिस स्टेशन से ही अप्लाई करना होता है। सो आप लोगों को एक छोटी सी एक न्यूज़ बता देती हूँ, जैसे होता है मेरी एक फ्रेंड थी उन्होंने नेशनलिटी अप्लाई की हुई थी, सो उनके घर में किचन में फायर लग गई थी, सो उसकी वजह से उनके नेबर्स के घर में फायर लग गई थी, उनकी नेशनलिटी गई हुई थी। फिर क्या हुआ जब वो गई पुलिस स्टेशन में जाके पूछा कि हमारा अभी तक पासपोर्ट क्यों नहीं आया है, तो पुलिस वालों ने बोला कि आपका पासपोर्ट नहीं बन सकता, आपकी नेशनलिटी जो है वो कैंसिल हो गई है क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न नहीं हैं, आप लोगों की वजह से से घर में फायर लगी और आपने नेगलिजेंसी की है। सो हर चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है, अगर आपके करेक्टर पे भी थोड़ी बात आ जाती है तो यहाँ नेशनलिटी कैंसिल कर देते हैं।
क्योंकि ये लोग सिटीजन राइट्स पे और इस पे बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, स्वीडिश लोग जो हैं, इनके रूल्स हैं और हर चीज़ बहुत ये लोग कहते हैं कि फॉलो करें हर चीज़ को। अगर आपसे थोड़ी भी गलती हो जाती है तो ये नेशनलिटी जो है कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे जी हम आए हुए थे पार्क में, क्योंकि पुलिस स्टेशन के बाद जो है टाइम हो गया था काफ़ी, तो हमने कहा चलो बच्चों को जो है पार्क ले जाते हैं। और ये बहुत ही हसीन एंड खूबसूरत पार्क है, हमारे सेंट्रम में बहुत बड़ा पार्क है। इधर हर तरह के फेस्टिवल जो होते हैं समर में इधर पार्क में ही लगते हैं। कोरोना वायरस की वजह से सब कैंसिल हुआ हुआ है, अगर ये कोरोना वायरस नहीं होता तो यहाँ पर बहुत समर में एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये देखें, ये बहुत हिस्टोरिकल पार्क है, इंशाल्लाह मैं इसकी एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी इसके बारे में। क्योंकि वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा था, खूबसूरत हसीन, एंड ये ट्रीज़ भी बहुत अच्छे लग रहे थे, इनमें छोटे छोटे से फ्लावर्स आ रहे थे और एंड ग्रास भी जो है ग्रीन ग्रीन हो रही थी, तो हमने सोचा कि यहाँ बैठ जाते हैं। तो ज़्यादा टाइम हमने जो पार्क में स्पेंड किया, क्योंकि हमारा इरादा था अफ्तारी जो है हम रेस्टोरेंट में करेंगे। सो रेस्टोरेंट की वीडियो जो है मैं नेक्स्ट वीलॉग में शेयर करूँगी, इसमें शेयर करूँगी तो बहुत लंबा वीलॉग हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाएंगे। सो मैं नहीं चाहती कि आप लोग बोर हों। सो दोस्तों, तब तक आप ये ब्यूटीफुल ग्रीन ग्रीन जो है पार्क देखें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पार्क कैसा लगा। तो आप लोगों को आज का वीलॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो बिग थम्स अप दे दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जैसे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को टाइम नहीं मिल जाए। सो दोस्तों, दुआओं में बहुत याद रखिएगा, मिलते हैं फिर एक नए वीलॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।